हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आज का वीडियो आपका नेवी ट्रेड्समैन्स की भर्ती की, दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट है वो फॉर्मों की, वो ख़त्म हो गई है 7 मार्च यहाँ पर शाम को 5 बजे से नए फॉर्म वो भरने बंद हैं। तो काफ़ी छात्रों के मेरे पास 2 दिन से कमेंट आ रहे हैं कि लास्ट डेट बढ़ेगा क्या, तो उनके लिए मैंने कॉल किया था हेल्पलाइन सेंटर के जो नंबर दिए गए हैं, आप भी कर सकते हो। वेट करना पड़ेगा दोस्तों, कम से कम 10-15 मिनट वेट किया, उसके बाद में जो रिस्पांस मिला वो इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद में आपका अब तक कितने फॉर्म भरे गए ये भी काफ़ी छात्रों का कमेंट आ रहा था कि ये हमें ये बताइए, और फॉर्म संबंधी कोई भी आपकी समस्या है तो सारी इस वीडियो में आपको मिलेंगी। और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर दोस्तों मॉडल पेपर मौजूद हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूँ, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको दिखाए भी थे, तो वो पेपर्स हैं। तो वो आप अगर कोई लेना चाहता है, 16 मॉडल पेपर है और एक बुक है, 275 के समथिंग पेज है उसके अंदर, तो वो बुक भी आप ले सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। तो उसका व्हाट्सअप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको एग्ज़ाम के अंदर नहीं मिलने वाला है। इससे पहले मैंने बता चुका हूँ आपको कि आपका लगभग 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो गया था लास्ट टाइम, तो इस बार भी आपका लगभग 1 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसके आधार पर आप अगर रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट भी करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप ऑफलाइन किसी स्टॉल से खरीदो या फिर आप ऑनलाइन करो या फिर किसी भी प्रकार से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए दोस्तों। मैं ये नहीं बोलता कि आप वहीं से ही खरीदो। तो अब जो आपका डाउट आ रहा है कि लास्ट डेट बढ़ेगी क्या, क्योंकि काफ़ी छात्रों के पास ये था कि हमने लास्ट से 2 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं, फॉर्म ही नहीं भरे, लास्ट के 5 दिन से ट्राई हो रहा है कि फॉर्म ही नहीं भरे जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, पिछली बार भी ऐसा कुछ हुआ था, 2-3 दिन लास्ट में फॉर्म नहीं भरे गए थे लास्ट में, फिर लास्ट डेट भी नहीं बढ़ी थी। जबकि आपने अगर मेरा स्टार्टिंग से वीडियो देखे हैं नेवी ट्रेडमैन की, तो मैं स्टार्टिंग से जब से नोटिफिकेशन आया है तब से आपको हर वीडियो मैंने ये बताया है कि आप फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी भरिए, लास्ट डेट का वेट किए बिना, क्योंकि साइट है वो नहीं चलेगी, हर वीडियो के अंदर मैंने बोला है। अब आपने फॉर्म नहीं भरा, आप लास्ट डेट से 2 दिन से ट्राई कर रहे हो, ये दोस्तों आपकी गलती है। और अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता नई डेट बढ़ेगी, क्योंकि मैंने बात की, उसमें भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया वहाँ से कि लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। वहाँ पर सिर्फ उनके लिए सोल्यूशन है जिनका पेमेंट डिडक्शन हो गया है और फॉर्म सबमिटेड नहीं हुआ है, उनका दोस्तों यूज़र आईडी और पासवर्ड आप उनको बताओ, वो आपका फॉर्म सबमिट कर देंगे। वो जो जो छात्र हैं वो यहाँ पर अपना हेल्पलाइन नंबर पर जो नंबर है वहाँ पर आप संपर्क कीजिए, वेटिंग कीजिएगा, कम से कम 10 से 15 मिनट या जितना भी टाइम लगे वेटिंग रखिएगा। जैसे आपका कॉल मिलेगा तो वहाँ पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड बता के उनको आपका फॉर्म है वो सबमिट करवा लीजिएगा, उनके लिए ये चीज़ ऑप्शन है। पर नए फॉर्मों के लिए इसको लेकर कोई अपडेट उन्होंने नहीं दिया है, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि लास्ट डेट बढ़ता तो पहले ही बढ़ता। अब आपकी लास्ट डेट नहीं, अब आपके एग्ज़ाम की तैयारियाँ चल रही हैं नेवी की तरफ से, और आपका एग्ज़ाम अप्रैल में आयोजित हो जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो। बाकी क्या अपडेट आती है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अब दोस्तों आपका जो डाउट रहता है कि कितने फॉर्म आए टोटल, तो इसके लिए दोस्तों ऑलरेडी मैं आरटीआई अप्लाई करने की सोच रहा हूँ, आप देख रहा हूँ मैं, अगर लास्ट डेट नहीं बढ़ता है तो आज या कल मैं आरटीआई अप्लाई करूंगा, जिसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए आपका, और भी हमारा जो डाउट है जैसे नेगेटिव मार्किंग को लेकर नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, तो वो नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी हम पूछेंगे कि क्या प्रोसेस है, कितना क्या रखेंगे या रखेंगे नहीं रखेंगे। अगर उनका रिस्पांस आता है तो मैं आपको जैसे ही आरटीआई अप्लाई करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, पर आरटीआई मैं कन्फर्म अप्लाई करने वाला हूँ, आज या कल तक अप्लाई कर दूंगा, तो उसके अंदर हमारे सभी क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चन भी उसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा। जैसे कि कट ऑफ के बारे में पूछा है मैंने लास्ट ईयर 2019 की कट ऑफ कितना रहा, ये भी पूछूंगा, तो ये सारी डिटेल्स हम पूछेंगे। फॉर्मों की डाटा दोस्तों वहाँ से ही प्रोवाइड, आरटीआई से ही एग्जैक्ट डाटा पता लगेगा, बाकी आपको ऐसे बताने में कुछ नहीं होता कि मैं आपको बोलूँ 1 लाख 2 लाख 5 लाख 6 लाख इतने फॉर्म भरे गए, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। आपका फॉर्मों पर आप ध्यान ही मत दीजिए, आप अपना 20 दिन आप अच्छे से तैयारी कीजिए, 20 दिन मॉडल पेपर के आधार पर तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अंदर अच्छी वैकेंसी है, डबल वैकेंसी है, पिछली बार के मुकाबले फॉर्म भी ज़्यादा दिन नहीं भरे गए हैं, मान सकते हो 15 दिन टोटल फॉर्म भरे गए हैं, उनमें से 5 दिन साइट बंद थी, तो देख सकते हो यहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए होंगे, मुश्किल से ज़्यादा नहीं भरे, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है दोस्तों। और आईटीआई वाले छात्र आपको पता है कि ज़्यादा स्पीडली नहीं कर पाएंगे, बहुत कम छात्र रहते हैं जो इतना टैलेंटेड करते हैं कि वो पूरा पेपर फास्टली सोल्व कर ले। तो जो भी छात्र यहाँ पर प्रैक्टिस करेगा, प्रिपरेशन करेगा, उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा इसके अंदर। और एग्ज़ाम डेट आपका दोस्तों अप्रैल में पूरी पूरी संभावना है। और इसके अलावा आपको मैं क्या बताऊँ कि आपको प्रूफ दिखा दूँ आपका, जो मैंने रिकॉर्डिंग में बोला था वो मैं ढूंढता हूँ, अगर वो मिलती है तो मैं आपको ज़रूर सुना देता हूँ, अभी आप सुन लीजिएगा कि क्या उन्होंने बोला है आगे से।
तो दोस्तों वो साइट है, उसी साइट के ऊपर जो नंबर है उन पर आपको कॉल करना है। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो कितने टाइम वेट किया था, 15 मिनट के बाद में लगभग मेरी बात हुई थी शायद। ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आया अभी हमारे पास। और इसका आप नहीं है, ये भी नहीं सर, आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया था अकाउंट से। आप पेमेंट डिडक्शन हो गया पर सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा। यूजर आईडी बताइए आपका। यूजर आईडी का देखूंगा मैं। अभी कितने तक, अभी तक कितने फॉर्म भरे गए सर? आपका यूजर आईडी बताइए, आपका इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ आपको, बाकी सबका कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते आपको। लास्ट डेट का भी कुछ नहीं पता अभी, लास्ट डेट कटेगा या नहीं कटेगा सर? आपका यूजर आईडी तो बताइए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ ना आपके रिलेटेड कुछ भी है तो। यूजर आईडी तो मैं बता दूंगा, मुझे काफी सब प्रॉब्लम आ रहा था, ये काफी मेरे को कॉल किया था। तो दोस्तों आपने सुन लिया होगा, उन्होंने वो सिर्फ आपका यूजर आईडी और पासवर्ड लेके सिर्फ आपके रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन देंगे, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। और मुझे नहीं लगता डेट आपकी बढ़ेगी दोस्तों, तो वो चांस आप छोड़ दीजिए। अब दोस्तों जो फॉर्म के रिगार्डिंग और भी जैसे डाउट आ रहे हैं कि हमने ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दिए, अब जो भी कर दिए, जो भी हो गया दोस्तों वो हो गया, फॉर्म सबमिटेड है और एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, बाकी सब फाइनल है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम होगा, जैसे कि काफ़ी छात्र बोल रहे हैं कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो पुराना है, 5 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, तो हम क्या करें? तो उनके लिए दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आप न्यू डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाइए, वो अब सिर्फ आपका नॉर्मली जांच होगी, नॉर्मली डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, बाकी ज़्यादा कुछ एकदम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर स्टार्टिंग में ही करने लगे तो फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या जरूरत रहेगी? तो वो चीज़ आप अभी लेकर परेशान ना हो। जो भी आपने लगा दिया है, जो भी जैसे आईटीआई की सर्टिफिकेट की जगह काफ़ी ने मार्कशीट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपके रोल नंबर है। लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका सर्टिफिकेट, जो छात्र अभी आईटीआई जैसे पास आउट हुए हैं इसी साल या पिछले साल पास आउट हुए हैं, तो उनका तो सर्टिफिकेट 2 साल में आता है आईटीआई का, तो वो कहाँ से लगाएंगे? तो ये चीज़ एक नॉर्मली थी, कंपलसरी नहीं था कि सर्टिफिकेट ही आपको लगाना है, आप मार्कशीट लगा सकते हो, सर्टिफिकेट जब आएगा तब आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने भर दिया, जो आपने कर दिया वो अच्छा है। जिसका फॉर्म फिलअप हो गया वो दोस्तों तैयारी करें, जिसका नहीं हुआ है फिलअप वो या तो लास्ट डेट का वेट कर लीजिए, 1-2 दिन में पता, मुझे तो नहीं लगता 99% नहीं बढ़ेगा, पर आप दूसरी प्रिपरेशन कीजिए। जैसे कोई और यूपी मेट्रो के अंदर आया हुआ वैकेंसी वो आप अप्लाई कर सकते हो, और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं जरूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आईटी वालों के लिए, राजस्थान के अंदर भी आपकी वैकेंसी आने वाली है काफ़ी, और आपको जो अपडेट मिलेगी यहाँ पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।